समस्त मनरेगा महिला मेटों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है। सरकार ने आदेश दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अगर आप मनरेगा महिला मेट के पदों पर नियुक्त हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि हमने आपको पिछले कई वीडियोस में ये जानकारियाँ दी हुई हैं कि मनरेगा महिला मेट की जो नौकरी है उसको लेकर आप सभी के बहुत सारे सवाल आते हैं कि इसमें मनरेगा महिला मेट की जो नौकरी है वो कितने साल तक करनी है, कितने साल तक वो काम कर सकती है नहीं। तो हमने भी आपको बताया था कि 3 साल तक के लिए इसकी नौकरी है। तो आप सभी बोल रहे थे क्या 3 साल के बाद हम क्या करेंगे, तो 3 साल के बाद आपके प्रमोशन के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। महिलाओं का प्रमोशन किया जाएगा। जो महिलाएं मेट अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, उनका काम अच्छा है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन कैसे होगा उसके लिए भी आदेश जारी हुए हैं, दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आप पूरी जानकारी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। पदोन्नति के लिए मनरेगा महिला मेट कर्मियों को देनी होगी परीक्षा, यूपी की 44,000 महिलाओं को मिलेगा फ़ायदा। मनरेगा की महिला कर्मियों को यानी कि मेट को पदोन्नति के लिए परीक्षा देनी होगी। प्रदेश में करीब 44,000 महिलाओं को अब तक महिला मेट के रूप में जोड़ा जा चुका है, अब उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाकर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। लखनऊ देख सकते हैं आप सभी। मनरेगा की महिला कर्मियों को पदोन्नति के लिए परीक्षा देनी होगी। प्रदेश में करीब 44,000 महिलाओं को अब तक मनरेगा महिला मेट के रूप में जोड़ा जा चुका है, अब उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाकर लिखित परीक्षा कराने की तैयारी है। दरअसल गांव में मनरेगा महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम चल रही है और 8 मार्च को ग्राम विकास विभाग ने मेट की 50% पदों पर महिलाओं को रखने का आदेश दिया है। वह 3 साल तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। इन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें मेट के कामकाज की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यह प्रशिक्षण आन जॉब यानी महिलाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान भी दिया जाएगा। जल्द जारी होंगे आदेश। मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार ने इस संबंध में कहा कि लोक निर्माण विभाग के 18 जून में दी जा रही अर्धकुशल मजदूरों की तर्ज पर महिलाओं को भुगतान मिलेगा। महिलाओं की लिखित परीक्षा और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई यह योजना, जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। तो सरकार ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही जारी किए हैं, ठीक है, योगी सरकार ने। और उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो महिलाएं बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से काम करती हैं उन्हीं का प्रमोशन होगा। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तो फाइनली वही चीज़ सामने आई हुई है। आप अच्छी तरीके से काम कर रही हैं मनरेगा महिला मेट के रूप में और पेमेंट भी आपको मिल रही है। काम करेंगी तो पेमेंट भी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट से मिलता है, बस यही प्रॉब्लम है समूह में। सरकार थोड़ा लेट से पेमेंट करती है लेकिन पैसा तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। समझ लीजिए एक प्रकार से वो आपका बैंक में जमा हो रहा है, बैंक बैलेंस। अब आप परेशान हैं, ये भी पता है मुझे कि महिलाएं गरीब हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार उनको अगर हर महीने देती है तो और अच्छा रहता है, लेकिन सरकार पैसा भी जानते हैं बराबर नहीं दे पाती है। लेकिन जो पैसा बराबर आपका बना है, जितनी दिहाड़ी आपको जितने दिन की बनी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, महीने के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और मतलब जितने दिन आपने काम किया होगा उस दिन के हिसाब से आपकी भी तो हाजिरी लगी होगी। और तो आप सभी का प्रमोशन के लिए पहले आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ठीक। परीक्षा अगर आप लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में आप पास होती हैं, जैसे 3 साल हो जाएंगे तो पहले तो आपको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा एक छोटा सा ब्लॉक से, BMM द्वारा ब्लॉक से एक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा जिसमें आप सभी को मेट के बारे में और भी विशेष तरीके से जानकारियाँ दी जाएंगी। तो जो परीक्षा में आएगा, जो लिखित परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को प्रशिक्षण एक दिया जाएगा एक दिवसीय, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो लिखित परीक्षा होगी उसमें अगर आप पास हो जाती हैं तो अच्छा, जैसे एक बार फेल हो जाती हैं तो फिर से आपको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक, दोबारा मौका आपको मिलेगा। और लेकिन अगर आप दोबारा मौका मिलता है, दोबारा परीक्षा में भी आप फेल हो जाती हैं तो आपको तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, सरकार ने ये भी आदेश में लिखा हुआ है, जो भी सरकार ने आदेश दिया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि महिलाएं अर्धकुशल श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं, यानी कि एक श्रमिक के रूप में वो काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको मनरेगा महिला मेट बनना है तो आपको
परीक्षा पास करनी ही होगी, हर हालत में पास करनी ही होगी, तभी आपका आगे चल के प्रमोशन होगा, अन्यथा किसी दूसरी महिला को, दूसरे समूह से महिला को नियुक्त कर दिया जाएगा, तो आप इस नौकरी से वंचित हो जाएंगी। और आप चाहती हैं कि आगे के 3 साल और हम काम करें, क्योंकि अब 3 साल हो ही जाएंगे, लगभग लगभग 2 साल तो हो ही चुके होंगे मेट को बने हुए, मेट की जो नौकरी आई हुई है जब से महिलाओं की, पहले तो पुरुष मेट हुआ करते थे, फिर महिला मेट की जब से नौकरी आई है तो 2 साल होने वाले होंगे, तो आगे के 1 साल में ये प्लान सरकार बना रही है कि महिलाओं की प्रशिक्षण होगा 1 साल होने के बाद, या 1 साल होने के पहले ही प्रशिक्षण हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन्हीं महिलाओं का होगा जो बेहतरीन काम कर रही हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पिछला रिकॉर्ड, उन्हीं को केवल प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, उन्हीं को लिखित परीक्षा का मौका मिलेगा और आपका प्रमोशन भी होगा। और हाँ, प्रमोशन के साथ साथ ये भी होगा कि आप सभी का जो दिहाड़ी बनाया गया है मनरेगा महिला मेट का, उसको भी बढ़ाए जाने की योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, और सरकार इसमें प्लान बना रही है, अभी योजना बना रही है कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं। मैंने आपको अभी दिखाया हुआ था वीडियो में, पूरा रिकॉर्ड भी, जानकारी भी दी आपको। तो महिला मेट के रूप में जो महिलाएं काम करना चाहती हैं कर सकती हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही होता है कि काम बराबर मिलता नहीं है। अब महिलाओं को अगर काम नहीं मिलेगा बराबर, तो कौन सी महिला काम करना चाहेगी? मान लेते हैं 1 महीने में 2 दिन काम मिला, या 10 दिन काम मिला मान लेते हैं, तो 10 दिन की ही दिहाड़ी केवल आपको मिलेगी, वो जो 20 दिन बचे हैं शेष उस महीने के, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपकी वहाँ हाजिरी लगी होगी, जब आप 20 मजदूरों के ऊपर आपका काम लगा होगा, और जब हाजिरी भी आप तभी लगा पाएंगी भले ही मौजूद हो गई, जब वहाँ 20 मजदूर मौजूद होंगे तो ही आपकी हाजिरी वहाँ पर लग पाएगी, तभी आपका अटेंडेंस लगेगा, और जब तक अटेंडेंस लगेगा नहीं तब तक आपकी दिहाड़ी बनेगी नहीं, चाहे आप जाएँ वहाँ पर और चाहे ना जाएँ, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो 20 मजदूरों का सरकार पाबंद हटा दे, उसके बाद प्रमोशन वमोशन के चक्कर में पड़े तो अच्छा है, और महिलाओं को मानदेय बराबर मिलने लगे वेतन। बाकी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सरकार का ये जो फैसला आया है, सरकार का ये जो प्लान है, वो आपको जानकर कैसा लगा, क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन अब महिला में मतलब इस नौकरी को छोड़ रही हैं, जो भी महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी वो ज़्यादातर हमने देखा है महिलाएं नौकरी को छोड़ रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार आगे क्या प्लान बनाती है। सरकार जब तक मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक कोई नौकरी भी करना नहीं चाहेगा। हो सकता है कुछ जगहों पर प्रधान अच्छे हैं, ग्राम प्रधान अच्छे हैं, बढ़िया काम करा रहे होंगे, लेकिन सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा अपनी राय कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं कि सरकार ये मतलब ये नियम लागू करे या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा हमें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में निजन करी के साथ।